लोग जब कहते हैं ना कि ये लड़की, इसको इतना ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, इसने तो वैसे ही घर में बैठ के काम करना है, सफाइयाँ करनी है, और लड़की को इतना आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो उनके कहने पर कभी कभी ये ख्याल आता है कि काश मैं लड़का होती तो ये लोग मुझे इस तरह नहीं कहते। मेरा नाम सना इमरान है और मैं 13 इयर्स की हूँ। किरण सितारा प्रोग्राम मैंने एक मंथ पहले ज्वाइन किया था। हमने सीखा कि लोगों से किस तरह बात करनी है, हम खुद को किस तरह जान सकते हैं, हमारी सेहत किस तरह अच्छी रह सकती है, हम अपनी कम्युनिटी का लीडर कैसे बन सकते हैं। जब मुझे पता चला कि ये इसमें लोगों की भलाई है, इंसानियत की खिदमत है, तो मैं घर गई। घर में रात के खाने पर सब मौजूद होते हैं, तो मैंने जब मैंने दादा से और दादी से परमिशन ली कि मैं हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम है किरण सितारा जिसका नाम है और जिसमें हमें मालूम करना है, बताना है, लोगों की मदद करनी है, खिदमत करनी है लोगों की। भाई सना ने खुश होकर मुझे बताया कि मैं किरण सितारा में शामिल हो रही हूँ, मेरा प्रोग्राम है घर घर जा के मरीजों को ढूँढना। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये काम कर सकती हो तो कर लो। हम लोग खुद ये चाहेंगे कि हमारी बच्ची आगे से आगे तरक्की करे, जो ये करना चाह रही है, इसकी ख्वाहिश है, जो वो ये पूरी करे। हाँ, एक लड़की थी, वो उसे लेना था, पार्टिसिपेट करना था, लेकिन उसके ब्रदर ने और उसकी मामा ने उसे बिल्कुल इजाज़त नहीं दी कि वो ये काम करे। मैंने उससे साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम घरों में नहीं जाओगी, लोग क्या सोचेंगे, तुम लोगों के घरों में जाओगी किस तरह लोग कहेंगे। हालाँकि उसने आधी बुक्स पढ़ भी ली थी, लेकिन जब फोल्डर्स हमें दिए गए कि लोगों के घरों में जाना है, तो उसके अम्मी अब्बू ने बहुत बड़ा रिएक्शन किया और उसे बिल्कुल बुरे तरीके से मना कर दिया। लड़की इतनी उदास हो गई थी, उसको इतना शौक़ था ये काम करने का, लेकिन फिर भी उसके घर वालों ने उसे परमिशन नहीं देके उसका दिल तोड़ा, वो बहुत उदास हुई थी। सुनने को कुछ लोग जो होते हैं पुरानी सोचों के मालिक, वो कहते हैं कि ये लड़की तो अभी से ही बाहर निकलना इसने शुरू कर दिया है, अभी से इस तरह कर रही है, बड़े होकर ये पता नहीं क्या कहेगी। लेकिन हमारी टीचर्स ने बताया है कि जो सबसे बड़ा रोग है वो है क्या कहेंगे लोग। तो ये क्या कहेंगे लोग वाली बात टीचर कहती है इसे छोड़ ही दिया करो। मैं अक्सर अपनी दोस्तों के साथ ज़्यादा निकलती हूँ, स्कूल से जाना होता है, बहुत थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब बाहर निकलती हूँ तो फिर वो डर और बढ़ जाता है कि अभी लोग तंग करेंगे। मेरी फ्रेंड मुझसे बड़ी हैं तो वो जब आके बताती हैं तो थोड़ा सा खौफ होता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, कोई मुझे भी ऐसे रास्ते में तंग ना करे। मैं उनको कहती हूँ जाहिल अनपढ़ गवार, खुद तो पढ़ते नहीं हो, हमें पढ़ने दो, बस इतना कह के चली जाती। जब मैं अपने मोहल्लों में और गई, लोगों ने इतना सख्त रवैया रखा, बिल्कुल बात नहीं करी और गेट भी बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मैं गई थी उनके घर, दोबारा गई, उन्हें दोबारा समझाया। इस वजह से मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी ताकि उन्हें अपनी बात पर कायल कर सकूं, कल एक अच्छा काम है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं अब इतनी इस काबिल हो चुकी हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। जब मैं किरण सितारा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया तो पता चला कि लोगों की खिदमत करके लोगों का इलाज होता है हमारी वजह से, तो कितनी खुशी होती है। जब मुझे डॉक्टर बनने का भी ख्याल आया, जब मुझे टीचर्स पढ़ाती हैं और वो हमें सिखाती हैं, तो मुझे तब भी ख्याल आता है कि मैं भी बड़े होकर टीचर बनूँ और लोग बच्चों को सिखाऊँ, उन्हें पढ़ाऊँ, तब भी मुझे टीचर का ख्याल आता है। कभी टीचर का ख्याल आ जाता है, कभी डॉक्टर का, बड़े होकर पता चलेगा।